बाइक चेक कर रहे हैं आप यार, आपके भाई को बचपन से शौक था यार हार्ली डेविडसन खरीदने का, तो यार चेक करें, आपके भाई ने दिन रात मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह यार ये वाली बाइक खरीद ली है। तो मैंने सोचा यार इतनी आउट क्लास किस्म की बाइक ले ली है तो इस बाइक का रिव्यू तो बनता है। तो यार आज आपको इस बाइक के बारे में सारा बताएंगे कि यार ये कौन सी बाइक है, कहाँ से बनी और कैसे आई, तो सारी डिटेल आज बताएंगे हम आपको। भाईजान जी सर, किधर सर आपके दिलों में? पहली बात तो ये कि ये हार्ली नहीं है। नहीं यार हार्ली है, ये हार्ली नहीं है। अच्छा? और दूसरी बात ये कि ये मेरी है, ये आप लेके कहाँ फिर रहे हैं इसको? सर देखिए ऑनर रिव्यू करना था तो मैंने सोचा ऑनर मिल गया तो फिर ऑनर रिव्यू भी कर लेते हैं। सर आपकी है मेरी है एक ही बात है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन आपने टाइम पे पकड़ लिया और रोक लिया मुझे, अच्छा किया आपने, वरना मैंने इसको ले जाना था। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि सर ये कौन सी बाइक है और बहुत क्रेजी है और मतलब बहुत आउट क्लास लुक है इस बाइक की, तो इसके बारे में बताएं ये है कौन सी बाइक। ये बेसिकली GN सुजुकी GN250 का इंजन है। ठीक है, एंड फ्रेम भी उसका है। सही है। बाकी कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह इसके अंदर हुई हैं। कुछ मॉडिफिकेशंस आप ऐसे बिस्ती कर रहे हैं लोगों की सर, मतलब ओवर। अच्छा ये जो GN 250 आप कह रहे हैं? या GN 250, तो आपने जब ली थी तो किस कंडीशन की बाइक थी और ये स्टोरी क्या है कि आपके पास कहाँ से आई? एक्चुअली मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं इर्तजा, ये उनसे मैंने बाइक ली थी। सही है। ही हैड इट फॉर लाइक 4-5 इयर्स उनके पास थी, एंड इसको मॉडिफाई होते हुए हम लोग देख रहे थे काफी अरसे से, तो ही वाज लीविंग द कंट्री। अच्छा, तो उनसे बस फिर मैंने उनसे मैंने ले ली। डन हो गया। तो जब उन्होंने बाइक ली थी तो ये किस हालत में, स्क्रैप थी या फिर कोई चलती हुई थी या क्या शेप थी इसकी? मैं आपको इसकी तस्वीरें निकाल के भेजूंगा। ये बेसिकली उन्होंने पुलिस ऑक्शन से GN250 ही थी ये सुजुकी। सही है, सही है। वहाँ से उन्होंने बेसिकली इसको उठाया था एंड देन उसको मॉडिफाई कर करके, बिकॉज ही इज अ वेरी प्रॉपर बाइक एंथुजियास्ट हैं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा उनको शौक है, उन्हीं को देख देख के हमें भी शौक पड़ता था। उनके पास 3-4 बाइक्स थी, तो ये बेसिकली पुलिस ऑक्शन से उसने इसका इंजन बिल्कुल ठीक था, फ्रेम ठीक था, फ्रेम थोड़ा सा एडजस्ट कराया था एंड विद टाइम इसको उसने मॉडिफाई किया। ये वाला जो एग्जैक्ट आपको याद है कि कौन से सन में ली थी और किस प्राइस रेंज में आपने? यार आई थिंक उन्होंने 2015 टाइप में ली थी। ठीक है, एंड जहाँ तक मेरा ख्याल है इट वाज अराउंड इन बिटवीन 30-40, cuz it was मतलब फुल उन्होंने जिसे कहते हैं कि ऐसे स्क्रैच, मतलब स्क्रैप में जाकर फुल हीरा ढूंढा और क्या उसको तैयार किया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और ये वाला उन्होंने कोविड के अंदर प्रोजेक्ट, ये उनका एग्जैक्टली कोविड का प्रोजेक्ट था। ये वाला टैंक, इसका हैंडल, इसकी लाइट्स, इसका ओवरऑल ब्लैक कलर, ठीक है, ये उनका कोविड प्रोजेक्ट। अच्छा, तो मुझे ओवरऑल थोड़ा सा बाइक के बारे में बताएं कि इसका इंजन तो आपने बता दिया GN250 का, ठीक है, उसके अलावा ये टैंक कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, टायर्स कौन से हैं, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं। टिम्सन के टायर्स इस पे लगे हुए हैं। अच्छा, दे हैव बीन इंपोर्टेड फ्रॉम थाईलैंड। क्या बात है सर। बाकी जेरी कैन, ठीक है, द मीटर, ठीक है, द रियर व्यू मिरर्स, ठीक है, ये मेरा ख्याल है ही गॉट देम फ्रॉम वियतनाम, ठीक है। बाकी सारी की सारी चीजें लोकली सोर्स्ड है, मैक्लोर रोड वगैरह से उन्होंने लिया। ये हैंडल वगैरह कहां? ये हैंडल भी यहीं से लिया हुआ। अच्छा, वैसे इसका एग्जॉस्ट भी यहीं से लिया हुआ। अच्छा, एग्जॉस्ट भी यहां का है, स्लिप ऑन एग्जॉस्ट है इसके ऊपर। सही सही सही, नाइस। अच्छा, और एक चीज मैं देख रहा था कि मतलब आप जैसे आप लोग में काफी सारे लोग इस तरह की बाइक्स देख रहे होते हैं और इस तरह की मॉडिफिकेशन आप देखते हैं, तो मतलब आप लोगों को ये होता है कि यार पार्ट्स कहाँ से सोर्स होंगे? तो इसके अंदर अब काफी सारी चीजें तो हैं, जैसे इसकी बाहर से आई है, वियतनाम से आई है और उसके अलावा थाईलैंड से आई है, मतलब फुल ऑन इंपोर्टेड बाइक है विद लोकल रू। लेकिन अगर हम बात करें जैसे इसकी, फॉर एग्जांपल हैंडल बार होगी और ये चीजें आपको अगर आप सोर्स करना चाहो ना, आपको पाकिस्तान में भी इजीली मिल जाती है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली जिस टाइम पे उन्होंने इसको बनाना शुरू किया था, तब मेरा ख्याल है चीजें इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं होती थी, करते भी लोग कम थे। अब देयर इज अ वेरी ऑनगोइंग ट्रेंड कि लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं, रेस्टोरेशंस वगैरह करते हैं, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग, और सब कुछ मिल जाता है यहां से। आप ढूंढने निकले, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऑल दीज थिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बाहर से आई हैं, सब कुछ अब यहीं से मिल जाता है। और अभी जैसे आप में से काफी लोगों ने कुछ एक दो वीडियोस और भी देखी होंगी, हमने एक CD70 को देखा था और एक बंदा जिसने दूध वाले जामे को इतना क्रेजी किस्म का तैयार किया था कि दिल खुश हो गया था। तो वो कुछ बाइक्स ऐसी थी कि जिसको आप कह लें कि
यंग जो बच्चे होते हैं जो पहली पहली बाइक देखते हैं ना कैफे रेसर के ऊपर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, बट ये एक फुल मैनली लुक है, मतलब ना कि एक बहुत ही क्रेजी सी चीज़ है, और ऐसे रोड पे जा रही हो ना तो बंदा देख के जो है ना ऐसे दिल हार के बैठ जाए इसके ऊपर। तो इसके बारे में मुझे गियर्स के बारे में बताएं कि इसका क्या सीन है, मतलब सारे आगे हैं सारे पीछे हैं, किस तरह होता है? वन डाउन, बाकी चार अप हैं, पांच गियर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और डिस्क ब्रेक, अगली डिस्क ब्रेक है इसमें? अगली डिस्क है। ठीक है, बैक पे सिंपल ड्रम ब्रेक्स हैं, पिछले ड्रम ब्रेक्स हैं, अच्छी ब्रेक्स हैं इसकी, टायर की साइज के मुताबिक इसकी हैंडलिंग वगैरह बहुत अच्छी है। अच्छा, इसका टायर साइज आपको तंग तो नहीं करता? ये हैंडलिंग वगैरह में थोड़ी मुश्किल नहीं है? ज्यादा बेहतर लगता है मुझे तो। हाँ, कॉर्नर वगैरह, कॉर्नर स्पीड में वैसे ज्यादा तेज नहीं चलाता, लेकिन कॉर्नरिंग के अंदर It's very grippy, it's very good. टायर बहुत अच्छा है, रुकता भी अच्छा है, सही है, और निकलता भी बहुत। क्रूज श्रूज के लिए लेके जाते हैं ऐसे कभी? हाँ, मैं क्रूज श्रूज के लिए इसको लेके निकलता हूँ। अब भी आजकल तो क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया तो। सर इसके क्या है, वैसे एक बड़ा रेलिवेंट सवाल आ गया माइंड में कि इस तरह की क्रेजी बाइक तैयार तो कर लिया, तो पेट्रोल कितना खाती है? यार आप कह लें कि मेरा ख्याल है, मैंने अंदाजन ही मैं आपको बता रहा हूँ, अराउंड 25 इजी कर रही है। बेस्ट है, मतलब आप पहले से पहले गाड़ी यूज करते थे क्या? हाँ जी, मैं से पहले गाड़ी यूज। ठीक है, और इसके अलावा बाइक कभी पहले कुछ चलाई है? हाँ जी, इसके अलावा बाइक्स का एक्चुअली शौक मुझे मेरे दादाजी की वजह से पड़ा था। ही यूज्ड टू हैव 1980s का 70, बहुत हल्का सा पतली टैंकी वाला, गोल बत्ती वाला, सही है। तो मैंने उस पे बेसिकली बाइक चलाना सीखी थी। मैं हाइट में, आई वाज अ वेरी शॉर्ट किड, तो मैं इतना शॉर्ट था कि एक टाइम पे गियर और ब्रेक पे एक साथ पैर नहीं लगते होते थे, लेकिन बाइक चलानी आ गई थी, सही है। तो तब गिरते शिरते थे, सब कुछ करते थे, वहाँ से बाइक का शौक पड़ा। दादाजी के पास वो थी, उससे पहले होंडा की 50cc थी, ठीक है, कावासाकी थी, यामा वगैरह थी, तो वहाँ से बाइक्स का शौक पड़ा। लेकिन तब भी ना हमारे बचपन में भी इस तरह का नहीं होता था कि कोई कस्टम बाइक आप देखते थे, मैक्सिमम आप हार्डली देख लेते थे या स्पोर्ट्स बाइक वगैरह देखते थे, जिनको लोग हैवी बाइक्स बोलते हैं यहाँ पे, वो नजर आती थी, और वो बस एक ड्रीम होती थी कि अच्छा यार ये कभी कभी देखी जाए। तो मे बी दिस इज द क्लोजेस्ट दैट आई कैन गेट टू अ हार्ली राइट नाउ। नहीं, वैसे सीरियसली बता रहा हूँ कि मतलब असल में ये बाइक ऐसी है कि इसका फील नहीं हो रहा कि तैयार हुई है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मतलब बहुत जो मॉडिफिकेशन की गई हैं और जितना भी इस पे काम हुआ है ना, मतलब दिल खोल के, और मतलब पता लग रहा है कि यार किसी जिसको शौक है ना बाइक को उसने तैयार की हुई है। ये जिनसे हमने ली थी उनको बहुत शौक था। हिज लाइफ इज बाइक्स, हिज लेफ्ट पाकिस्तान नाउ, बाहर जाके भी उन्होंने एक और बाइक खरीद ली है, सही है। तो हिज अ बाइकर एट हार्ट। ठीक हो गया, डन हो गया। तो अब जैसे अब ये बाइक है फॉर एग्जांपल आपके पास, इसकी कोई मेंटेनेंस वगैरह आपने अभी तक कराई है कुछ? मैंने थोड़ी बहुत मेंटेनेंस इसकी कराई है, सही है। इसकी मैंने बाइक के ब्रेक पैड्स वगैरह डलवाए हैं, सही है, फिल्टर्स चेंज कराए हैं, फ्लूइड जिसमें सारे नए अवेलेबल हैं, जो चीज़ इजीली अवेलेबल है, सही है। आम मैकेनिक वगैरह से भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ऑल्दो आई गो टू टाउनशिप, उस्मान भाई होते हैं वहाँ पे। उस्मान भाई इज द गाय जिसने शुरू दिन से, जब से पुलिस ऑक्शन से आई थी तब से लेके अभी तक जितनी इसकी डिफरेंट स्टेजेस गुजरी हैं, उसमें उस्मान भाई ने बेसिकली इसको देखा है। उनके हाथ की बाइक है बेसिकली। अच्छा, अच्छा। तो ये उन्हीं के पास जाती है, थोड़ा दूर पड़ता है मुझे, सही है, लेकिन ये जाती उन्हीं के पास है। क्या बात है सर, क्या बात है। और अगर आपको अच्छा एक काम करने वाला बंदा मिल रहा है तो और आपको क्या चाहिए? और आपको कुछ नहीं चाहिए? और अच्छा वैसे एक रफली पूछ रहा हूँ कि आपके, चलो आपने दोस्त से लिया है, लेकिन अगर इस तरह की बाइक को तैयार करना चाह रहे हैं या कोई बंदे का मूड है इस तरह कुछ करने का, तो ये कितनी प्राइस रेंज के अंदर आपके ख्याल से आ सकता है? आप अपर एंड बता दें, लोअर एंड बता दें, जो आपको सही लगता है। मेरा ख्याल है अब तो एकदम से ज़रा प्राइसेस चीज़ों की थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी हो गई हैं। बट अगर तो आप फ्रॉम स्क्रैच करना चाहते हैं, बिल्कुल ही आप स्क्रैप आपने लिया और वहाँ से आप इस तरह का कुछ बनाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है 2.5-3 4 टाइप मेरा ख्याल लग जाएगा, क्योंकि प्राइसेस थोड़ी महंगी हो गई हैं चीज़ों की। क्योंकि ये वाला प्रोजेक्ट एक ऐसा है, जैसे जो हमने 70 वाला प्रोजेक्ट दिखाए थे वो जरा बेसिक से थे, मतलब हल्के फुल्के देसी सी मॉडिफिकेशन उसके अंदर। इसके अंदर प्रॉपर, मतलब इसका टायर बहुत बड़ा है, इन सारी चीज़ों को पैसे, ऑब्वियस बात है कि सारी इंपोर्ट हुई होती हैं, इस तरह की चीज़ें तो बहुत महंगी पड़ जाती हैं। तो अगर 3 लाख रुपए के अंदर हम लगाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए ऊपर लगा दें आप, और हम बाइक देखें कि आप सर बाइक से याद है, अगर देखनी है बाइक तो यार सिंपल है, आप OLX पे जाके सर्च मारें, उधर जाके ना आप बिल्कुल स्क्रैप वाली बाइक भी आपको मिल जाएंगी। आपका जिस बाइक को बनाने का दिल कर रहा है वो वहाँ पे जाके बाइक ढूंढनी है आपने, उसके बाद आपने अगला काम क्या करना है सर? क्या करना सर आप बताएं? उसके बाद आपने अगला काम ये करना है कि आपने बाइक की तस्वीरें लेनी है, तस्वीरें लेनी है वहाँ पे लगानी है। अच्छा, अगर बेचनी है तो तस्वीरें लेके वहाँ पे लगा के बेचने, सही है। और जिसने खरीदनी है तो वहाँ पे जाके उसने ढूंढ लेनी, वहाँ पे जाके ढूंढ लेनी। और उसके बाद आपको जिंदगी में चाहिए एक अदद उस्मान भाई, जैसा कि उन्होंने बताया और जैसे आपने पिछली वीडियोज में देखा होगा, उस तरह के बॉयज। तो आप बाइक खरीदें, शौक पालें दिल के अंदर, यकीन करें ये महंगा खर्चा नहीं है। और इस तरह का अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी रोड प्रेजेंस हो, अटेंशन सीख करो, आप मतलब कहीं से गुजरें तो लोग कहें यार क्या बात है,
तो बल्कि आप एक कल आपको आके उतार रहे थे, वो बताइए आज क्या हुआ था कल बाइक पे जब आप जा रहे थे। कल मैं बाइक पे जा रहा था एंड देयर वाज दिस गाय हु स्टॉप्ड मी इन द मिडल ऑफ द रोड। ठीक है। एंड मैं एकदम से रुका, मैं भी कंफ्यूज हो गया कि शायद मैं इनसे आगे निकला हूँ, बुरा मन आगे लड़ना रहे हो, लेकिन उन्होंने एकदम से मुझे उतरते साथ ही कहा हाँ अभी बेचनी है। मैंने कहा नहीं मैंने बेचनी नहीं, अभी तो मैंने ली है। तो ही टू वाज अ बाइक एंथुसियास्ट, ही वाज लाइक अ गाय इन हिज 60s। अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि उन्होंने अपनी जवानी के अंदर सही है, कावासाकी हायाबूसा सब कुछ उन्होंने रखा हुआ, तो उनको बड़ी अच्छी लगी थी। तो वो तो मुझे कह रहे थे कि मेरे कार खिलार जा, तो मैं तेनों गड्डी ते छड़ा ना। तो मैंने उनसे एक्सक्यूज किया नहीं, तो अब उन्होंने मेरा नंबर वगैरह ले लिया। तो अब वो मुझे जरा तंग कर रहे, कोई मसला नहीं। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज है। तो सिंपल यही है कि आप बाइक खरीद लो, उसके बाद आप स्टार्ट करो। तो अगर आजकल आप नई बाइक्स देखते हो तो यार 3.5 लाख रुपए की रेंज के अंदर यार बेसिक बाइक्स आ रही हैं। अगर आप सुजुकी की बाइक्स की बात कर रहे हो यार, वो 4-4, 5-5 लाख की सिंपल बाइक्स आ रही हैं, 150 और जो 200 और वो ऐसी बाइक जिसको आप किसी को नोटिस ही नहीं होती, उस तरह की 50 बाइक्स और चल रही है। तो अगर आप थोड़ा सा मतलब पैसों को थोड़ा सा स्मार्टली यूज करो, एक अच्छी यूज बाइक लो, उसके ऊपर प्रोजेक्ट करो, थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ी सी, और उसके बाद आपकी जिंदगी सॉर्टेड है यार। क्योंकि इतनी खूबसूरत चीज़ आप कहीं पर लेके निकलोगे ना, तो यार हर बंदा आपसे पूछेगा कि यार आपने कहाँ से ली और बेचनी है या नहीं। तो अगर आपसे ऐसा कुछ पूछे तो उसे जाके कहें यार मैंने तो मूड नहीं है, अगर आपने लेने था ओलेक्स पे जाके ले सकते हैं। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा सर, चलो आपसे मिलके, और यकीन करें बहुत खूबसूरत बाइक है। तो आप लोगों को पता है आप क्या करना है आपने, यार आपको एक काम बताया हुआ आप करते नहीं है, सिंपल सा काम है यार। वीडियो देख ली है, यहाँ तक पहुँच गए हैं, एंड तक आ गए हैं, तो सब्सक्राइब का एक बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर जाके आपने क्लिक करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और हमें बताना है कि यार आपको वीडियो कैसी लगी है। और अपने दोस्त को टैग करें जिसको बाइक का शौक है, वो नई बाइक खरीदने लगा है, उसको कहें यार इस तरह का कुछ तैयार करें। तो यार फिर मिलकर इस तरह की चीज़ें करें, और फिर मैं करता हूँ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।